छत्तीसगढ़ में जनजाति से संबंधित टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जीके ट्रेवल एमसीक्यू, ठीक है। यानी कि कितने क्वेश्चन, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जबकि आने वाली भर्ती हॉस्टल वार्डन, एडीओ एग्ज़ाम और अमीन पटवारी और एसआई मेंस, ठीक है, एसआई मेंस की तैयारी चल रही है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जब भी मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपके छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण है जनजाति से संबंधित, तो चलिए जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करती, तो आप सभी को मालूम होगा कबीरधाम, ठीक है, कबीरधाम में है ना ये जो जनजाति है निवास नहीं करती, जबकि सरगुजा, कोरिया, जसपुर में कौन सी जनजाति निवास करती है, उराव जनजाति, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, टोटल है ये वाला छोड़ दीजिएगा। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट जल्दी से है ना। वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। निम्न में से कौन सी पिछड़ी विशेष जनजाति नहीं है, तो ये आपका उराव है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़ जनजाति, छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ी जनजाति है आपको कौन सा जनजाति है, गौड़ जनजाति, ठीक है, कौन सा जनजाति, गौड़ जनजाति। चलिए भड़म नृत्य की जनजाति के सर्वाधिक प्रिय नृत्य है, तो भड़म आपका भारिया, याद रखिएगा भड़म जो आपका है भारिया। राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना विशेष पाप समझती है, तो ये आपका आ जाएगा मुड़िया, जो मुड़िया जनजाति है आपको घोड़ों को छूना विशेष पाप समझती है, ठीक है, याद रखना। उसी प्रकार ककसार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, जितने भी है छत्तीसगढ़ की जनजाति नृत्य पेय पदार्थ यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनते हैं, तो ककसार नृत्य किन जनजाति से संबंधित है, मुड़िया, ककसार, याद रखना जो ककसार है आपका मुड़िया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। उड़हरिया विवाह का प्रचलन कौन से जनजाति, ये उघड़िया लिख दिया जबकि उड़हरिया है ना, यानी कि भाग कर, तो ये आपका आ जाएगा बैगा जनजाति, याद रखना कौन सा है, बैगा जनजाति। घोटुल पारा नामक मृत्यु गीत किस जनजाति से संबंधित है, जो आपका आएगा ये वाला, ठीक है, एक मिनट ना, ये जो घोटुल पारा है आपका मुड़िया जनजाति से संबंधित है, कौन से जनजाति, मुड़िया जनजाति, जबकि बहलिया श्रेणी पारधी में आता है, कौन सा आता है, पारधी, पारधी का मतलब क्या होता है, काले रंग की पक्षी। कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाले नृत्य कौन सा कहलाता है, डमनच नृत्य कहलाता है, कौन सा नृत्य कहलाता है, डमनच नृत्य, ठीक है, कौन सा नृत्य कहलाता है, डमनच, ठीक है, डमनच नृत्य कहलाता है, क्लियर हुआ। अब चलिए छत्तीसगढ़ की जनजाति विधवा, विधवा को क्या विवाह कहा जाता है, मैं आपको बताया था ना विधवा विवाह को, ये जो विधवा विवाह है उसको अर उतो विवाह कहा जाता है, अर उतो विवाह, या फिर और क्या कहा जाता है, चलिए बताइए जल्दी से, विधवा विवाह को अर उतो विवाह, चूरी पहना विवाह, चूरी पहना विवाह भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण आपके व्यापम और पीएससी में बार बार पूछता है। विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति बिंझवार है, उसी प्रकार जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है आपका मारिया, उसी प्रकार पंडो की जनजाति संबंधित है, तो पंडो आपका मारिया से संबंधित है। राज्य की किस जनजाति से भाई तो होती है, आपको कोरबा, और किन जनजाति बहनों से भी विवाह किया जाता है, तो गौण विवाह, एक ऐसी जनजाति है जो बहन से भी विवाह कर लिया जाता है उसको गौण विवाह कहा जाता है, ठीक है, बहन से, जैसे कि अब देखिए कौन कौन विवाह किया जाता है, तो ममेरा फुफेरा है ना, ममेरा फुफेरा भाई बहन, भाई बहन का विवाह, भाई बहन का भी विवाह किया जाता है गौण जनजाति, ठीक है। कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति है कमार, परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है, तो परजा जनजाति को बस्तर में धुरवा कहा जाता है। राज्य का कौन सा जिला पूर्व में नरबलि हेतु जाता है, बस्तर। छत्तीसगढ़ के कौन से जनजाति झूम की कृषि के नाम से जाना जाता है, तो आपका आ जाएगा माड़िया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के विवाहों को क्या कहा जाता है, गबन विवाह, आपका 2019 में पूछा है, ठीक है।
जनजातीय समाज में प्रचलित महारा बाजा, ये जो महारा बाजा है ना, ये महारा बाजा में शामिल नहीं है। तोहली, तोहली को महारा बाजा में शामिल नहीं किया जाता, जबकि सहनाई, नंगाड़ा और तुगड़ी को किया जाता है। ठीक है, गोंड जनजाति में मड़ई के मुख्य दिन किया जाने वाले नृत्य को एबाल तो नृत्य कहा जाता है। ठीक है, एबाल तो नृत्य जो सिर पर है ना सिंग लगाकर नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जनजाति अपने को आपको महादेव की संतान मानती है? तो महादेव की जो संतान मानते हैं भील जनजाति लोग, भील का मतलब जानते हो ना, हाँ वही। और जो कोलेरियन है आपका, ठीक है, कोलेरियन मुंडारी जनजाति किसे कहा जाता है? कोल को ही कहा जाता है। किस जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं? जो हल्बी का रूप द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं उसे हम धुरवा कहते हैं, घुरवा नहीं, धुरवा। किस जनजाति को मनवर भी कहा जाता है? तो ये आपका आ जाएगा कंवर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कंवर जनजाति निवास क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में नहीं है? तो आपका आ जाएगा दंतेवाड़। किस जनजाति को धनवर भी कहा जाता है? तो ये आपका धनवार। ये टोटल हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, जनजाति से संबंधित, जनजाति से संबंधित कल हम देखेंगे विवाह, पेय पद, एक मिनट ना, कल हम कौन से क्लास देखेंगे? विवाह। ठीक है, विवाह, पेय पदार्थ, नित्य, सभी तरह के जनजातियों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई